वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरुवर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में सहजनवा चौराहे पर यातायात का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत थाना सहजनवा पर व्यापारी बंधुओं व सभासदगणों के साथ इसके समाधान के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही साथ पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया। इस संबंध में SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने बताया कि समाधान के दृष्टिगत तत्काल थाना पुलिस के साथ साथ यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अंजनी पांडे, यातायात निरीक्षक मनोज राय, थानाध्यक्ष सहजनवा इत्यानंद मिश्रा व चेयरमैन प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, देखिए सहजनवा चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की सूचना आ रही थी, जिसके कारण जाम की समस्या भी कभी कभी उत्पन्न हो रही थी, जिसके लिए जो है कि कल हमने जो है कि व्यापारी बंधुओं के साथ और वहां के नगर पंचायत के सभासदगणों के साथ एक बैठक की थी थाना सहजनवा पर, जिसमें CEO कैंपियरगंज भी मौजूद थे, थानाध्यक्ष सहजनवा और हमारे DI साहब भी मौजूद थे। तो इसमें जो है कि इस पर वार्ता की गई और मौका मुआयना भी किया गया। तो भी वहाँ थाना सहजनवा पुलिस के साथ साथ जो है कि ट्रैफिक की ड्यूटी भी लगा दी गई है, जिसमें ट्रैफिक के 2 कर्मचारी वहाँ लगाए गए हैं और स्थिति अब आज अभी इस तरह की जाम की समस्या नहीं आई है। ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस मिलकर जो है कि इसको जो है मैनेज कर रहे हैं। वहाँ व्यापारियों द्वारा कुछ मतलब मैसेज भी दिए गए हैं, तो सुझाव भी दिए गए हैं जी। वहाँ पर व्यापारियों द्वारा ये बताया गया है कि ब्रेकर जो है कि NHAI द्वारा बना दिया जाएगा, तो स्पीड थोड़ा कम रहेगी वाहनों की। इस संबंध में जो है कि NHAI को से भी इस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है, क्योंकि वो हाईवे है तो NHAI द्वारा ही वहाँ ये व्यवस्था की जा सकती है। पुलिस स्तर से जो व्यवस्था होनी थी वहाँ पर हमने पुलिस के कर्मचारी बढ़ा दिए हैं, ट्रैफिक के कर्मचारी लगा दिए हैं, इस तरह से भी व्यवस्था की गई है।